किसी ने पॉइजन देके मार देना, कोई छत से डॉग्स को फेंक दे रहा है. लाइक दिस शी इज मिली और इसके ऊपर से लाइक एक सिलेंडर का ट्रक चला गया था एंड शी इज़ नॉट एबल टू मूव. वो एक जगह से हिल भी नहीं सकती. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं, मोर देन 100 डॉग्स वी हैव एट शेल्टर. और डेली यहाँ पर पैरालाइज डॉग्स, हैंडीकैप डॉग, कैंसर के डॉग्स यहाँ पर आते हैं, कुछ इंजर्ड डॉग्स यहाँ आते हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें बहुत सारा फंड्स लगता है. शेल्टर को चलाने के लिए रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ जाते हैं, मोर देन 2000 kg राइस, 200 kg पेडिग्री, मोर देन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ लगती है. नाउ वी आर ऑल्सो फेसिंग मेनी चैलेंजेस क्योंकि डॉग्स पैरालाइज है, वो खुद से नहीं मूव कर पाते, वो जगह से हिल नहीं पाते हैं, उनको बहुत स्पेशल केयर लगता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब बारिश आ रही है और हम लोग रात रात भर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, वो पानी क्लियर करते रहते, पानी भर जाता है शेल्टर में. वी एक्चुअली नीड डोनेशंस फॉर दिस एंड जो भी डोनेशंस आएंगे वो चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प हो जाएगी. हम लोग हॉस्पिटल बना पाएंगे, हम लोग एम्बुलेंस उनके लिए अवेलेबल कर पाएंगे जो 24/7 जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमें हमारे व्हीकल्स पे करना पड़ता है, जो स्ट्रगल हमें करना पड़ता है वो शायद थोड़ा बहुत हम लोगों के ऊपर से वो लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को हम लोग सेव कर पाएंगे.